भाई लोग कैसे हो। तो आज फाइनली एक और वीडियो आ गई है टैंक प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के ऊपर, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग अभी भी मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ रहे हैं। डेली के 8-10 क्वेश्चन आ जाते हैं कि भाई R15 V3 लेनी चाहिए कि नहीं, मतलब टैंक में वो प्रॉब्लम जो हो रही है क्या अभी भी हो रही है कि नहीं। जैसे कि आपको पता होगा, मेरी बाइक में R15 V3 में टैंक प्रॉब्लम हुई थी और उसके ऊपर मैंने 1-2 महीने पहले वीडियो बनाया था, ठीक है। फिर उसके कुछ ही दिन बाद यामा वालों ने सॉल्यूशन दिया था और जिसके बाद जो है टैंक की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई थी, ठीक है। और सॉल्यूशन के बाद मैंने 1-2 महीने वेट किया और देखा कि अभी प्रॉब्लम हो रही है कि नहीं। तो फाइनली गाइस, यामाहा ने 1 महीने पहले टैंक प्रॉब्लम को सॉल्व किया था इस बाइक में और अभी तक कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई दोबारा, मतलब दोबारा ये प्रॉब्लम नहीं हो रही है इस बाइक में। तो गाइस, जिसको नहीं पता कि टैंक में प्रॉब्लम क्या थी, तो पहले प्रॉब्लम बता देता हूँ। गाइस, प्रॉब्लम ये थी कि जैसे ही आप यहाँ पे टैंक में थोड़ा सा भी प्रेशर लगाते थे या गलती से भी आप थोड़ा सा अगर प्रेस हो जाता था तो ये टैंक अपने आप ये ओपन हो जाता था साइड से, ठीक है। तो ये थी प्रॉब्लम। फिर उसके बाद मैंने यामाहा को बताया तो यामाहा ने इस सॉल्यूशन को सॉल्व किया। अब बात यह आती है कि यामाहा ने इसको कैसे सॉल्व किया। तो देखो गाइस, जैसे कि आपको पता होगा, मैंने एक जो वीडियो बनाई थी पहले क्या सॉल्यूशन यामाहा वाले देने वाले हैं, तो वहाँ पे यामाहा की टीम से जब बात हुई थी तो उन्होंने बोला था कि आपके टैंक को रिप्लेस किया जाएगा, ठीक है। और उन्होंने बोला कि 10-15 दिन के अंदर आपका टैंक जो है वो आ जाएगा और आपको दूसरा टैंक लगा दिया जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट। फिर मैं जब दोबारा गया उनके पास तो उन्होंने टैंक को देखा अच्छी तरह से, तो उन्होंने बोला कि आपका टैंक जो है ख़राब नहीं हुआ है, मतलब जो पैनल है वो ख़राब नहीं हुए हैं और ना ही जो वो जॉइंट लगे होते हैं, क्या बोलते हैं उसको, फ़िट करने के जो साइड में हुक होते हैं, वो भी ख़राब नहीं हुए हैं। तो उन्होंने बोला कि ऐसी कंडीशन में टैंक जो है वो पैनल है वो चेंज नहीं किया जाएगा, बट उन्होंने कुछ सपोर्टर लगा दिया जिसकी वजह से अभी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है। फिर मैंने उनसे बोला कि भाई, आपने तो बोला था कि टैंक पैनल जो है वो चेंज करोगे, तो उन्होंने बोला कि ऐसी कोई कंडीशन है नहीं चेंज करने लायक और ये आपका सपोर्टर से ही काम हो जाएगा, मतलब इसके से ही आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा और बाकी अगर बाद में आपको कोई प्रॉब्लम लगती है इसके बाद तो फिर हम पैनल चेंज कर देंगे। तो अभी 1-1.5 महीने हो गए हैं और प्रॉपर है, मतलब कोई दिक्कत नहीं हो रही है, मतलब उनके सॉल्यूशन के बाद कोई भी दिक्कत नहीं हुई, ठीक है। तो गाइस, यही है सॉल्यूशन। उन्होंने क्या किया कि सपोर्टर के थ्रू इसको फिट कर दिया अच्छे से, अब ये टैंक अच्छे तरीके से सॉलिड फिट हो गया है, अब कोई दिक्कत नहीं आ रही है। और अगर टैंक पैनल चेंज होने लायक होता तो यामाहा वाले चेंज करते इसको, बट बिना चेंज किए ही प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है। और दूसरी बात यह भी है कि अभी जो R15 V3 मार्केट में आ रही है तो उसमें यह प्रॉब्लम नहीं देखने को मिल रही है, मतलब वो जो प्रॉब्लम हो रही थी टैंक में वो उसको सॉल्व कर दिया गया है। तो अभी आप बिल्कुल R15 V3 ले सकते हो, आपकी बाइक में टैंक प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। तो ये रहा फाइनल डिसीजन, आप बिल्कुल अभी ले सकते हो, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि आपका टैंक ओपन हो जाएगा। और दूसरी बात कि अगर मान लो किसी के बाइक में अभी ये टैंक प्रॉब्लम हो रही है, जैसे मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं इंस्टाग्राम पे और यूट्यूब पे कि भाई मेरी बाइक का भी टैंक ओपन हो रहा है, बताओ क्या करें, तो आपको कुछ नहीं करना है, आप सिंपली यामाहा के पास जाओ, वो आपकी प्रॉब्लम को डिटेक्ट करेंगे और जो भी आपका सॉल्यूशन होगा वो प्रोवाइड करेंगे। अगर चेंज करने लायक होगा तो चेंज कर देंगे और अगर सपोर्टर के थ्रू जैसे ही फिट किया जाता है, जैसे मेरे में किया गया, वो करने लायक होगा तो वो कर देंगे। तो मतलब आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बेसिकली आप बिल्कुल इसको ले सकते हो। टैंक की प्रॉब्लम अब नहीं होगी नई गाड़ियों में, ठीक है। अगर पुरानी, जैसे कि अगर मेरे जैसे यूज़र हो जो आप पहले ही ले चुके हो और अगर टैंक प्रॉब्लम हो रही है तो आप यामाहा से कांटेक्ट कर लो, सर्विस सेंटर में जाओ, आपकी प्रॉब्लम बिल्कुल सॉल्व करेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, ठीक गाइस। तो अभी यामाहा ने जो फाइनल सॉल्यूशन दिया है वो काम का है, मतलब कोई दिक्कत नहीं कर रहा, आप बिल्कुल इसको ले सकते हो। और हाँ, 1-2 कमेंट मुझे ऐसे भी देखने को मिले थे कि उन्होंने बोला कि टैंक में प्रॉब्लम थी, मैंने यामाहा को बताया, यामाहा ने उसको सॉल्व किया, फिर दोबारा टैंक में प्रॉब्लम हो गई। तो अगर ऐसी कंडीशन है तो आप फिर यामाहा के पास जाओ, भाई आपका फर्ज बनता है, आप उनके कस्टमर हो, वो बिल्कुल आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो आप दोबारा उनके पास जाओ और बोलो कि आपने जो सॉल्यूशन दिया वो काम का नहीं है, आप इस पैनल को चेंज कर दो, ठीक है। वो बिल्कुल चेंज करेंगे आपको, थोड़ा सा हाँ मतलब वो इधर उधर कर सकते हैं, बट आप उनसे एकदम मतलब हक के साथ बोलो कि भाई करो, तो करना पड़ेगा उनको, ठीक है। तो उनको करना पड़ेगा और जैसे कि इसमें हुआ, अगर चेंज करने लायक होता तो मैं उनको बोलता कि भाई चेंज करो, बट अभी 1 महीने हो गए ओपन नहीं हो रहा है, तो मतलब उनका जो सॉल्यूशन था वो काम का था, तो मैंने उनको दोबारा नहीं बोला चेंज करने का। अब ऐसे एक बात ये भी थी, मैंने देखा ना तो वो क्या था, हुक लगे होते हैं, ये जो पैनल है इसमें लगाने को एक हुक लगा होता है, तो वो हुक में कोई रबड़ का सपोर्टर लगता है, वो नहीं लगा हुआ था जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम हो रही थी। तो अब वो सपोर्टर को अच्छे तरीके से लगा दिए हैं सभी हुक्स में, तो वो अब प्रॉपर फिट हो गया है, अब वो दबने से भी नहीं निकल रहा है। तो ये रहा फाइनल सॉल्यूशन। और बताओ वीडियो कैसी लगी, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो और ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो जिनको डाउट हो रहा है कि R15 V3 में अभी भी टैंक प्रॉब्लम हो रही है, उनको भी बताओ कि भाई अभी आप ले सकते हो, V3 में कोई प्रॉब्लम नहीं है टैंक में, हालांकि बिल्ड क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज़ है जैसे कि मैंने बताया था डिसएडवांटेज वाली वीडियो में, बट ये टैंक वाली प्रॉब्लम नहीं है। और दूसरी बात ये भी है ना कि बाइक ओवरऑल बहुत अच्छी है परफॉर्मेंस में, तो थोड़ा बहुत अगर बिल्ड क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज़ है भी तो वो अपन झेल सकते हैं। इतना मिलता है नेक्स्ट वीडियो पे, सी यू सून।